हे गाइस, दिस इज मार्टिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई के चैनल में। और अगर अभी तक यार सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो बता दबाओ और घंटी बजाओ ताकि आने वाली सारी उसके लिए वीडियोस के लिए ब्लॉग्स के लिए आप अपडेटेड रहो। और बाकी पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज निकले हैं आज हम देखने के लिए कि क्या होता है। इंडिया गेट वगैरह जाने का सोचा है, अकेला ही जा रहा हूँ अभी तक तो। अब देखते हैं कोई रास्ते में कोई टकरा गया अपने ग्रुप का या कोई, वैसे तो देखते क्या होता है। और वैसे तो इंडिया गेट पे सुना है मतलब बहुत सारे राइडर्स वगैरह आने वाले हैं, तो देखते हैं। और वहाँ पे फिर ये भी देखना है कि मतलब वहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा मैं, मेरे को अभी तक नहीं पता। मेरे को राइड थोड़ी और लंबी करनी है इंडिया गेट तक, तो मतलब वही 25 किलोमीटर्स है। उसके बाद देखता हूँ, मैंने अभी तक तो मतलब सोचा है कि कहीं पर राइड करूँगा कहीं और, तो देखता हूँ कहाँ करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल पहले इंडिया गेट पहुँच के, और जहाँ तक है बीच में रुकूँगा नहीं क्योंकि अकेला कर रहा हूँ, तो अकेला मैं मुश्किल ही लेता हूँ ब्रेक। तो स्टे ट्यून्ड। यार गाइस, ये तो इंडिया गेट जाने नहीं दे रहे, वहाँ पे पता नहीं बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी है। तो वो कह रहे हैं पुलिस वालों से, अभी मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि 9 बजे के करीब खुलेगा। तो अभी तो मैं फिर जहाँ मेरा प्लान था, जहाँ मैंने पहले सोचा था जाने का, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो है, मैं आपको वहाँ पहुँच के ही दिखाता हूँ फिर। अब मैं क्या आपको ऐसे क्या ही बताऊँ, आपको वहाँ पहुँच के ही दिखा दूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। और बाकी फिर वापसी में देखता हूँ, 9 बजे मतलब वापस आते आते मेरे को 9 बज जाएंगे, तो वापसी शायद जहाँ तक इंडिया गेट हुआ हूँ एक बार। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो गाइस फाइनली मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पर मैंने लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करी थी। अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं आ गया यार। मेरे को लगा कि राइड लंबी करनी है अपनी, और इंडिया गेट पे भी अभी एंट्री नहीं दे रहे थे, वो बैरिकेडिंग वगैरह थी 9 बजे के बाद एंट्री। तो मैंने सोचा थोड़ी लंबी राइड भी हो जाएगी, और मैं आया भी नहीं हूँ उससे पहले कभी एरो सिटी, तो मैंने सोचा एरो सिटी चलते हैं। पर यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा नहीं है इतनी, क्योंकि कोरोना का सीन चल रहा है आपको पता ही है सारा। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी आजकल बहुत है, आज तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। तो वही है, वरना तो मैं आपको प्लेन्स वगैरह भी दिखाता थोड़ा ऊपर से, वहाँ से वो एंट्री दे नहीं रहे साइकिल वाइकिल को, तो इसलिए अभी मैं पासिंग लेन में हूँ। अब यहाँ से मैं इंडिया गेट की तरफ ही जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ जैसे भी स्थिति बनती है इंडिया गेट पे और राष्ट्रपति भवन पे क्या हो रहा है इंडिपेंडेंस डे पे, 74th इंडिपेंडेंस डे पे। देखते हैं। हाँ, तो गाइस मैं धौलाकुआं से इंडिया गेट की तरफ जा रहा था, तो फिर ना वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे को फिर नहीं जाने दिया। और इन्होंने कहा है कि पहले तो वो कह रहे थे 9 बजे, फिर वो कह रहे अब 10 बजे, फिर एक ने पुलिस वाले ने कहा है कि अब जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो अब मैं इधर से मोतीबाग की तरफ जा रहा हूँ, एम्स की तरफ। अब देखते हैं वहाँ जाके, अगर यार इंडिया गेट खुली जाए, जाना ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो फिर बात नहीं बनेगी। वही है, सोचा तो है यार, देखो बस खुल जाए फटाफट, जैसा भी होता है मैं बताता हूँ आपको। वैसे अभी तक मेरी हो गई है लगभग कितने 60 किलोमीटर तो हुई गई होंगे। हाँ, लगभग 60 किलोमीटर तो मैंने अभी तक राइड कर ली है। अब देखते हैं इंडिया गेट अगर खुल गया तो हो जाएगी फिर 80-90 तक, नहीं खुला तो फिर मेरे को अनफॉर्चुनेटली यहाँ से घर ही जाना पड़ेगा। तो जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ।
वहां तक नहीं जा सकते। वीआईपी मूवमेंट हो रहा सर। और इंडिया गेट उधर निकल जाओ उधर से। वहां कोई वहां को दिक्कत नहीं है। हाँ तो गाइस फाइनली मैं राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका हूँ, बट ये मेरे को यहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, वैसे तो जनरली तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती जाने में, बट आज वही है 15 अगस्त है तो यहाँ पे मेरे को पुलिस वालों ने कहा है कि यहाँ साइकिल अलाउड नहीं है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स हो रही है, क्योंकि वही है तो मतलब कोई वीआईपी लोग आना जाना कर रहे होंगे तो इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पा रहा। तो वही है क्योंकि मैं तो खैर शक्ल से ही टेररिस्ट लगता हूँ ना, गोली मार दूंगा मैं तो, ये वो मुझे गोली मार देंगे है ना, ऐसा ही होगा कुछ, हाईजैक कर लूंगा मैं बहन जो पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट कह रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन। चलो जो भी है, अब मैं फिर यहाँ से इंडिया गेट जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं। तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अलग अलग रूट देखे, पहले आश्रम वाला वहाँ से एंट्री नहीं थी, फिर गोल्फ लिंक्स वाला लोधी रोड वाला वो भी नहीं था, फिर धौला कुआं से फाइनली अब यहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो अब यहाँ से इंडिया गेट जा रहा हूँ, वहाँ देखते हैं एंट्री है नहीं, तो देखते हैं। आप इंडिया गेट तक ज़रूर बने रहना मेरे साथ। गायब यार, दिक्कत हो गई, ये मैं इसके इंडिया गेट वाले सर्कल में घूम रहा हूँ, ये एंट्री नहीं दे रहे वहाँ पे भी, अब समझ नहीं आ रहा है इसके। आप इससे बढ़िया तो नॉर्मल डेज में ही रहता है, एटलीस्ट एंट्री तो हो जाती है इजीली, कोई बीटी तो नहीं होती रास्ते में, कोई दिक्कत भी नहीं होती, मतलब कोई कुछ कहता भी नहीं है, चाहे साइकिल लेके जाओ चाहे गाड़ी, आज एंट्री नहीं दे रहे। हाँ क्या है, 15 अगस्त है, इस वजह से आज 74 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी को, मतलब 74th इंडिपेंडेंस डे आज। तो वही है, अब देखो यार कब तक ऐसी चलेगा। भैया ये क्यों नहीं है वो एंट्री, अभी आज एंट्री क्यों नहीं है वैसे यहाँ 15 अगस्त की वजह से, मतलब क्या कोई वो चल रहा है क्या? अच्छा तो शाम को भी नहीं होगी? अच्छा अभी तो नहीं है, चलो ठीक है, धन्यवाद। देखा आपने, तो वही कह रहे हैं वो नहीं है एंट्री, तो आप क्या ही कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है 12-15 अगस्त की वजह से। चलो जो भी है, अब आप यार नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ मैं आपसे, आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और घंटी ज़रूर बजाना, घंटी तो सबसे पहले बजाना, ठीक है फिर, बाय बाय।